गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड हाउ आर यू ऑल? ऑल ऑफ यू फाइन? ओके गुड. और अपना सब लोग ध्यान रखिए. दिस इज ओके. नाउ स्टार्ट. दिस इज आवर ईवेल्स बुक एंड वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड पेज नंबर 42 एंड 43 एंड इन चैप्टर 9 माई स्कूल. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द माई क्लास रूम. ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 44. हम लोग 43 तक पढ़ चुके थे एंड 44 में हम लोग स्टार्ट करते हैं. द टेबल इन फ्रंट ऑफ हियर, मतलब टेबल ये उस नेक्स्ट पेज का ये सेंटेंस है. कंप्लीट सेंटेंस था. शी सिट्स ऑन द चेयर एंड कीप द बुक्स एंड रजिस्टर ऑन द टेबल इन फ्रंट ऑफ हर. मतलब वो अध्यापक जो होते हैं वो अपने सामने टेबल पर रजिस्टर और बुक्स को रखती हैं. नाउ स्टार्ट नेक्स्ट लाइन. देयर आर मेनी कलरफुल चार्ट्स एंड मैप्स हैंग्स ऑन द वॉल. द टीचर टीच मेनी न्यू थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दोज चार्ट्स एंड मैप्स. दीज आर मेनी बेंचेस ऑफ द स्टूडेंट टू सिट. दे कीप देयर बुक्स इन द डेस्क. देयर इज अ डस्टबिन इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम. वी थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. The classroom also has fan and lights. It means इनका मतलब होगा दीवारों पर कई रंगीन चार्ट और नक्शे टंगे हुए हैं. उन चार्ट और नक्शे की सहायता से नई चीज़ें सिखाते हैं. जो हमारे शिक्षक होते हैं वो उन चार्ट और नक्शे की सहायता से नई चीज़ें सिखाते हैं. देयर आर मिनी बेंचेस फॉर द स्टूडेंट. वहाँ पे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए बहुत सारे बेंचेस होते हैं, रखे रहते हैं. एंड कीप देयर बुक्स इन द डेस्क, और जिस पे वो बैठते हैं और जो डेस्क होती है उस पे वे अपनी किताबें रखते हैं. देयर इज़ अ डस्टबिन इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम. मतलब एक कॉर्नर में जो हमारी कक्षा है, क्लास है, उस क्लासरूम में एक कॉर्नर में यानी किनारे में, कोने में एक डस्टबिन रखा रहता है. वी थ्रो वेस्ट इन द डस्टबिन. हम डस्टबिन में वेस्ट जो चीज़ें होती हैं यानी कूड़ा, उसको फेंकते हैं. यानी कूड़ेदान में कूड़ा को फेंकते हैं. डस्टबिन मीन्स कूड़ेदान. ओके. द क्लासरूम ऑल्सो हैज़ फैन एंड स्लाइड. जो क्लासरूम यानी कि कक्षा है उसमें पंखे और रोशनी होती है. माई टीचर टीचर्स अस मेनी न्यू थिंग्स एवरी डे. हमें हमारी जो अध्यापक होती है प्रतिदिन नई नई चीज़ें सिखाती हैं. वी लर्न टू रीड राइट एंड ड्रॉ पिक्चर्स. हम सीखते हैं वहाँ पे क्या, पढ़ना लिखना और पिक्चर बनाना, चित्र बनाना. शी ऑल्सो टीचर्स अस गुड मैनर एंड हैबिट्स. वे हमें अच्छी आदतें और गुड हैबिट्स यानी कि हमें वे अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें सिखाती हैं. वी मेक मेनी न्यू फ्रेंड्स एंड ऑल्सो टॉक द प्ले विद दैम. हम नए नए दोस्त बनाते हैं और उनके साथ बात भी करते हैं और खेलते भी हैं. आप लोग भी करते हो ना क्लास में. यहाँ पे देखिए फैक्ट टू नो लिखा हुआ है. वी शुड नेवर मिस आवर स्कूल. हमें अपना स्कूल कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, नहीं कभी नहीं छोड़ना चाहिए. हमें हमेशा स्कूल जाना चाहिए. इसका मीन्स होगा ठीक है, वी शुड नेवर मिस आवर स्कूल. हमें अपना स्कूल नहीं मिस करना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए. डिफरेंट पीपल हु वर्क इन अ स्कूल. नेक्स्ट टॉपिक देखिए हमारा यही है. और इसमें इसका मतलब होगा कि एक स्कूल में काम करने वाले अलग अलग लोग. बिसाइड द टीचर एंड टीचरों के अलावा, अध्यापकों के अलावा, मेनी अदर पीपल ऑल्सो वर्क इन अ स्कूल. दे डू मेनी थिंग्स. अध्यापकों के अलावा, शिक्षकों के अलावा अन्य लोग भी स्कूल में काम करते हैं. वे जो है दे डू मेनी थिंग्स. वे कई कार्य करते हैं, वे बहुत से कार्य करते हैं. जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है द प्यून रिंग द बेल आफ्टर एवरी पीरियड. जो प्यून यानी कि चपरासी, हर पीरियड के बाद वो रिंग बजाता है या घंटी बजाता है. हर घंटे के बाद वो एक घंटी बजाता है. द स्वीपर, देखिए पिक्चर भी बनी है ना यहाँ पे प्यून की. ओके. द स्वीपर स्वीप एंड मूव द क्लासरूम.
स्वीपर यानी कि जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, सफाई करने वाले जो होते हैं, वे क्लासरूम में यानी कक्षा में कक्षा को साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं और पोछा भी लगाते हैं। द लाइब्रेरियन लुक्स आफ्टर द बुक्स एंड मैगजीन कीप इन द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी में किताबें रखी रहती हैं यानी कि पुस्तकालय में जो किताबें रखी रहती हैं वहाँ पे एक लोग होते हैं लाइब्रेरियन को बोला जाता है, जो लाइब्रेरियन होती हैं पुस्तकालय में किताबों और पत्रिकाओं की देखभाल करते हैं। द गार्डनर यानी कि माली, द गार्डनर लुक्स आफ्टर द प्लांट्स एंड फ्लावर इन द गार्डन। और जो गार्डनर होते हैं यानी कि माली, वे बगीचों की देखभाल करते हैं, फूलों और पौधों और फूलों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए पेज नंबर 45, पॉइंट टू रिमेंबर यानी कि कुछ याद करने वाली बिंदु। फर्स्ट है स्कूल इज द फर्स्ट प्लेस ऑफ लर्निंग, विद्यालय सीखने का पहला स्थान है। वी गो टू स्कूल टू रीड राइट एंड लर्न मेनी न्यू थिंग्स। हम वहाँ पे पढ़ते हैं, लिखते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। वी मेक न्यू फ्रेंड्स टू एट स्कूल, वी टॉक एंड प्ले विद देम। हम वहाँ पे नए दोस्त स्कूल में अपने क्या करते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। हम स्कूल में नए दोस्त बनाते हैं और बात करते हैं और खेलते हैं, उनके साथ खेलते हैं। बिसाइड्स टीचर्स मेनी अदर पीपल ऑल्सो वर्क इन द स्कूल। मतलब अध्यापकों के अलावा वहाँ पे कई अन्य लोग भी स्कूल में काम करते हैं। वी शुड नेवर मिस आवर स्कूल। इट मीन्स हमें अपना स्कूल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए हम लोग इसको पढ़ चुके हैं और अब हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। और एक्सरसाइज ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब कि इसमें सही ऑप्शन या सही ऑप्शन को चुनिए और सेंटेंस को कंप्लीट करिए। वी सिंग एंड डांस इन द क्लासरूम म्यूजिक लाइब्रेरी। आंसर क्या होगा, म्यूजिक रूम। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये टिक लगाएंगे म्यूजिक रूम और यहाँ पे आप लोग कंप्लीट करेंगे म्यूजिक रूम। वी रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर इन द, हम किताबें और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्लासरूम, लाइब्रेरी या म्यूजिक रूम, आंसर होगा बी, लाइब्रेरी। बी आंसर क्या होगा, लाइब्रेरी। तो आप लोग उसको लिखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरी। ओके, कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को। द डैश थर्ड देखिए, द डैश रिंग्स इन रिंग्स द बेल आफ्टर एवरी पीरियड। आंसर प्यून, प्यून बजाता है ना हर घंटे में बेल को। फोर्थ द स्वीप्स एंड मोप्स द क्लासरूम। आंसर स्वीपर, ए वाला आंसर होगा, क्या होगा, स्वीपर। झाड़ू और पोछा क्लासरूम में लगाते हैं कौन, स्वीपर, आंसर ए। ठीक है, और आप लोग इसको अपनी बुक में फिल करेंगे और इसको कॉपी में भी राइट करेंगे। ओके, ये आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग इसे कॉपी में राइट करेंगे एंड बुक में फिल करेंगे, खूब अच्छे अच्छे और गुड हैंडराइटिंग में लिखेंगे और आप लोग की सैटरडे को ये कॉपी चेक होगी। और अपनी जिसकी जिसकी कॉपी यहाँ पे सबमिट है वो अपने पेरेंट्स से बोल करके घर पे अपनी कॉपी मंगवा लेंगे स्कूल से। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।